दोस्तों आप सबको स्वागत है एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों जब भी जुगाड़ की बात आती है तो भैया लिस्ट में सबसे ऊपर अपनी इंडिया का ही नाम आता है, क्योंकि अपने इंडिया के लोग इतना टैलेंटेड है कि भैया ये कभी कभी ऐसे जुगाड़ कर देते हैं जिनको देखकर साइंटिस्ट का भी दिमाग घूम जाता है, और कभी कभी ऐसा जुगाड़ कर देते हैं जिनको देख हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जुगाड़ दिखाएंगे जिनको देखकर आपकी हंसी तो आएगी ही आएगी, साथ में आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा और आप कभी भारतीय होने का गर्व होने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा फनी और मज़ेदार होने वाली है, तो गुरु आप इसे अंत तक देखना, आपके दिन और रात दोनों बन जाएंगे। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हम ये जुगाड़ू वीडियो शुरू करते हैं। तो कहीं अगर आपको बाहर काम पर जाना है और सवारियाँ 4-5 हो रही हो तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इतनी सवारियों को भैया बाइक के ऊपर बैठना बिल्कुल असंभव है। लेकिन ना बाबा ना, हमारे भारत में कुछ भी असंभव नहीं होता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब जैसे कि यहाँ पर 4 बंदे पहले से ही विराजमान थे, इतने में पांचवा आकर कहता है कि भैया मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन बाइक में इतना जगह थी ही नहीं, तो फिर आप ही देख लीजिए इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया। अरे कहाँ जा रहे, मैं भी चलूंगा। अरे भाई गाड़ी में जगह नहीं है, तुझे नहीं ले जा सकते। 2 मिनट रुक, मैं मेरी जगह खुद बनाता हूँ। ठीक है भाई। ये ला बारिक, थैली पकड़ मेरी, ले बैठ जा इस पे। चच्चा जान दो 120 की स्पीड से। दोस्तों बचपन से लेके आज तक आपको किसी ने पूछा होगा मुर्गी पहले आई या अंडा। दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस सवाल को बाद में उलझना, पहले मुझे आप ये बताओ कि ये क्या फंडा है, यहाँ पहले कौन आया होगा, पेड़ या टायर। बड़ा ही कंफ्यूजन है यार, जल्दी से कमेंट करके बताओ। दोस्तों आजकल के लड़के और लड़कियाँ जैसे ही कोई नया ट्रेडिंग वीडियो देखते हैं तो भैया डेर किस बात की, अपना वीडियो बनाने में लग जाते हैं कि क्या पता कब वायरल हो जाए। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक प्रोफेशनल वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन इनके दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जरा इनके वीडियो बनाने का कला तो देखिए। नो 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 नो। इन्हें मानना पड़ेगा, इन्होंने तो बड़े बड़े प्रोफेशनल कैमरामैन को भी फेल कर दिया। इनके जुगाड़ू खोपड़ी के लिए एक प्यारा सा तो कमेंट बनता ही है गुरु। दोस्तों आपने कभी न कभी अफीन के दाने तो खाए ही होंगे। ठंड में भैया इन दानों का गर्मा गर्म हलवा, ओहो, मुंह में पानी आ जाता है। आपके मुंह में पानी लाने के लिए यानी अफीनों के दाने निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है भैया, ये बात तो सिर्फ किसान को ही पता है। अब जरा आप इस किसान भाई के जुगाड़ को तो देख लीजिए। पहले इन्होंने ड्रिल मशीन को चारपाई पे बांध लिया और अफीन के बीज को एक एक करके छेद करने लगा, और छेद करके ये अफीन के बीज को दूसरे के हाथ में दे देते हैं, और भैया उन्होंने हिला हिला कर अफीन के दाने निकाल रहे हैं। वाकई में यार ये जुगाड़ तो किसान के लिए काफ़ी लाभदायक है। दोस्तों कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि अपनी भारत में 2-व्हीलर यानी 2 पहिए इतनी पॉपुलर क्यों हैं? मतलब हर घर एक मोटरसाइकिल है, क्योंकि दूसरे देशों में तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है, बस ये रेसर वगैरह थोड़े बहुत करते हैं। लेकिन अपने भारत में तो घर घर बाइक है। इसके पीछे के कारण को आप जानना चाहेंगे तो देखिए, इसके पीछे का कारण ये है, यहाँ कोई बाइक पर सब्जी बेचता है तो कोई कपड़ा बेचता है, यानी कि यहाँ पर कोई कोई तो बाइक पर अपना दुकान भी खोल लेते हैं। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रहे, टेक केयर।